स्कैम स्कैम और बहुत सारा स्कैम दोस्तों चारों तरफ। आपको पता है मतलब किस तरीके से स्कैम्स फैले हुए हैं। और आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए लाइक और शेयर करते हुए। और मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसका शिकार या तो आप हो चुके हो या शायद हो सकते हो बहुत जल्दी, बिकॉज दिस इज द स्कैम फॉर इफेक्टिव प्राइस। जी हाँ, इफेक्टिव प्राइस इन कोट्स। वीडियो देखते रहिए लाइक और शेयर करते हुए। और हम पता लगाते हैं कि कैसे जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं ये इस इफेक्टिव प्राइस स्कैम के जाल में मासूम कस्टमर्स को फंसा लेती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ना हिस्ट्री में जाते हैं कि कैसे चीजें काम कर रही थी इस डोमेन में, और फिर थोड़ा सा हम करंट में आएंगे कि कैसे चीजें अभी काम कर रही हैं। अगर हम याद करें आज से मान लो 5 साल पहले 4 साल पहले चीज़ें कैसे थी, तो भाई एक कंपनी है, एक नया फ़ोन लॉन्च करती है, उसके अंदर मान लो उस टाइम पे तो यार शायद इतने ज़्यादा वेरिएंट्स भी नहीं होते थे, मतलब होते थे बट अब तो खैर बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। बट लेट्स से कि फ़ोन है, उसके 2 वेरिएंट्स हैं, एक फ़ोन में है 6 GB RAM 64 GB स्टोरेज, एक में है 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज, एक की प्राइस है 20,000, एक की प्राइस है 25,000। किस्सा ख़त्म। आपको पता है भैया ये फोन की प्राइस है, अब जब आप फोन लेने जाओगे तो आपको ये प्राइस देनी है, आपको फोन मिल जाएगा। विद टाइम हम देखते हैं कि कभी फोन थोड़ा पुराना हो गया है, थोड़ा सेल पे आ गया, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है, वो एक अलग बात है। बट सिंपल सा एक गेम हो गया है कि फोन लॉन्च किया है, 20,000 रुपए का किस्सा खत्म। उसके बाद में क्या होने लगा कि जैसे जैसे काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह मार्केट में आ गए, काफ़ी सारे जो है वो आपको बैंक्स दिखने लग गए, तो फिर आपको एक ऑफर मिलने लग गया कि भाई जो फ़ोन है वो है 20,000 रुपये का, लेकिन अगर आपके पास में फलाने बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है और अगर आप उसको यूज़ करते हो तो आपको फ़ोन पे 1,000 रुपये का इंस्टेंट जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट आपको कैशबैक मिल जाएगा वगैरह वगैरह। तो ठीक है भैया, वो भी ठीक है। अब दोस्तों जो गेम है ना वो एकदम अलग बदल चुका है, और यहाँ पे आई एम नॉट श्योर बट जहाँ तक मुझे लगता है इसकी शुरुआत की थी Xiaomi ने, और आई थिंक Xiaomi का कोई तो एक फ्लैगशिप फ़ोन था, आई थिंक वो Xiaomi 13 सीरीज का कोई था या तो Xiaomi 12 सीरीज का कोई था, बिकॉज वो फ़ोन बहुत महंगा था, 50-60-70 हज़ार का फ़ोन होगा शायद जब इसको इंडिया में लॉन्च किया। अब कंपनी को इतना महंगा अगर फ़ोन लिख देंगे प्राइस तो भैया कस्टमर दूर भाग जाएगा, पीछे हट जाएगा। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आई थिंक इट वॉज Xiaomi, अगर गलत हो तो कोई बात नहीं है, कोई दूसरा ब्रांड होगा लेकिन अब तो खैर सभी कर रहे हैं लगभग, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ोन की प्राइस जिस पे लॉन्च किया, मान लो फ़ोन जो है वो लॉन्च किया 70,000 रुपये का। अब क्या होगा, अगर आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करते हो तो एक्सचेंज बोनस आपको मिल रहा है मान लो 5,000 का, तो भैया 5,000 काट दो उसमें से। फिर अगर आप एक बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको भैया कुछ और डिस्काउंट मिल रहा है, चलो भैया उसको भी जोड़ दो। फिर कुछ आपको अपग्रेड बोनस मिल रहा है, कुछ प्लेटफॉर्म का है, जोड़ तोड़ के मान लो डिस्काउंट मिल रहा है 20-25 हज़ार रुपये का। तो ये नहीं बोला कि फोन 70 का है भैया, लॉन्च्ड एट अ स्टार्टिंग इफेक्टिव प्राइस ऑफ 50,000 रुपये सीधा। मतलब भाई ये दोस्तों जो स्कैम है ना ये आज तो चारों तरफ फैला हुआ है, लगभग हर एक कंपनी ऐसा काम करती है, नया फोन लॉन्च करती है ना तो जो बताती है प्राइस वो हमेशा इफेक्टिव प्राइस होती है, वो कभी भी एक्चुअल जो प्राइस है वो नहीं बताएगी, वो बताएगी ये बोनस, ये डिस्काउंट, ये कार्ड का ऑफर, ये इसका ऑफर, ये आपकी शक्ल पसंद आ गई उसका ऑफर, और फाइनली ये है इफेक्टिव प्राइस। लेकिन भाई वो इफेक्टिव प्राइस जो है वो ज़्यादातर लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, ज़्यादातर लोग जो है उनके पास में हो सकता है कार्ड ही नहीं खरीदने के लिए तो उनको वो कार्ड का ऑफर नहीं मिलेगा, ज़्यादातर लोग हो सकता है अपना पुराना फ़ोन एक्सचेंज नहीं करने वाले उनको वो अपग्रेड बोनस नहीं मिलेगा। तो काफ़ी हद तक जो इफेक्टिव प्राइस वाला जो पूरा गेम है ना नैरेटिव पूरा गलत हो जाता है, बिकॉज होता क्या है कि जब फोन आते हैं हमारे पास, हमारे पास का मतलब ये है हम टेक यूट्यूबर्स के पास जहाँ पे कॉन्टेंट आप देखते हो, तो अब मान लो एक कंपनी ने फ़ोन लॉन्च किया, अब वो कई बार तो फुल ब्रेकअप भी नहीं बताते, कई बार जो हमको प्राइसिंग इन्फो मिलती है वो मिलती है केवल इफेक्टिव प्राइस कि भैया स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 25,000 रुपये। तो हमारा जो जजमेंट होता है उस फोन का वो होता है इस हिसाब से कि अरे 25,000 के आसपास का लॉन्च कर रहे हैं, बाद में मालूम चलता है कि अरे भाई ये तो फोन तो 32-33 हज़ार का था, जो 25,000 थी वो तो उसकी इफेक्टिव प्राइस थी। तो गाइज अब सोचो, अब वीडियो तो एक बार बन गया ना, वो तो एडिट नहीं होता है, अब देखने वाला जो कस्टमर है वो भी उसको जब देखेगा 2 महीने बाद तो वो भी उसको देख रहा है, वही समझे कि हाँ 25,000 का नया फोन जा रहा है, उसके बाद फिर वो इस जाल में फंसता है। फिर भैया अगर वो उसको फोन ज़्यादा ही पसंद रहेगा तो फिर सोचता है चल यार ठीक है अब लग रहे हैं पैसे थोड़ा एक्स्ट्रा तो लगाता हूँ और फोन लेता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये दोस्तों जो इफेक्टिव प्राइस वाला गेम है ना
ये मेरे को लगता है कि एक बहुत ही गलत ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और ज़्यादातर ब्रांड्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और सब ये मिलके काम करते हैं। आप कहीं निकल जाओ सड़क पे, आपको बड़े बड़े होर्डिंग दिखते हैं तो वहाँ पे वो जो प्राइस लिखते हैं वो स्टार लगा देंगे छोटा सा, वो तो यार कौन देखता है, और नीचे लिख देते हैं कि इंक्लूडिंग ये ऑफ़र, इंक्लूडिंग वो ऑफ़र, सब कुछ जोड़ लिया तब ये प्राइस बनी है। अदरवाइज़ दे आर ऑलवेज प्लेइंग ऑन दिस यू नो मेट्रिक फॉर इफेक्टिव प्राइस। और गाइज ये मेरे को लगता है ट्रेंड यार देखो ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज मैं इसको एक मिसलीडिंग तरीके से देखता हूँ कि ये कस्टमर्स को मिसलीड करता है, हमको मिसलीड करता है कई बार, तो जब हम वीडियोस बनाते हैं तो यार ओपिनियन जो है उसका चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज एक फ़ोन आप बताओ कि ये तो 20,000 का मिल रहा है, एक आप बोलोगे 25,000 का है, 5,000 का बड़ा डिफरेंस होता है यार। वही फ़ोन हो सकता है मैं बोलूँगा बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे को मालूम है उसकी प्राइस 20,000 है, कोई मेरे को बताएगा ये फ़ोन तो 25 का मिल रहा है तो बोलूँगा नहीं यार 25 में तो इससे बढ़िया आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा दोस्तों चल रहा है एंड आपको इससे बचना है। तो प्लीज़ जब भी आप मेरा या और किसी का वीडियो भी देखते हैं तो प्लीज़ प्राइस को ना ध्यान से समझ के देखा करिए। अगर कभी कोई कंपनी कोई ऐड करती है तो वहाँ पे आपको जो प्राइस बड़ी बड़ी फ्लैश करके दिखाती है ना, तो उसको बस ऐसे मत ले लो। मतलब कई बार होता क्या ना, द वे ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स, आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। मान लो कि आपको एक नया फ़ोन लेना है, आपका बजट बन गया है 15,000 के अंदर आपको एक नया फ़ोन लेना है, आप बैठे हो इंटरनेट पे, आपको सामने एक कंपनी का ऐड आया कि भैया ये वाला फ़ोन जो है 15,000 के अंदर मिल रहा है, 14999, 14999, आपने तो दिमाग में उस फ़ोन को पसंद कर लिया ना। अब आप 2-3 दिन तक मान लो अपना कुछ काम में लगे हो, लेकिन आपके दिमाग में ये है कि भैया मेरे को तो फ़ोन मेरे को जो पसंद का चाहिए मिल गया, 15,000 फोन मेरे को मिल जाएगा। अब जब आप जाओगे एक्चुअली फ़ोन खरीदने को तो मालूम मिलता है अरे भैया ये तो 18 का है यार, 15 का तो ये दो कार्ड के ऑफर और ये सब लगा के तब मिल रहा है। अब या तो आपके पास में आप कहीं से अरेंज कर लोगे अगर वो कार्ड्स वार्ड्स तो अच्छी बात है, बट वो रेयरली होता है, तो उस केस में क्या होगा, आप अपना थोड़ा बजट को एक्सटेंड करोगे अगर आपको फ़ोन यू नो आप अगर इमोशनली आप अटैच हो गए और आपके दिमाग में कोई डिसीजन बन गया कि मेरे को फ़ोन लेना ही है, और यू एंड अप पेइंग 18,000 और फिर आप वो फ़ोन खरीदोगे। तो ये ही टैक्टिक है इन कंपनीज़ की सबकी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वो नहीं होता, मतलब इमेजिन करो ना कि आप निकल रहे हो सरोजनी के बाजार में और वहाँ पे सब लोग बुला रहे हैं दुकान के अंदर चिल्ला चिल्ला के, वही काम है। लूट लो आराम से यार, कि आप दुकान के बाहर खड़े हो जाओ और आपने बोला सेल 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 सेल, या ये इतने में 100 में शर्ट अंदर घुसा लिया, फिर बाद में बोलेंगे 100 में तो यार ये 4 मॉडल हैं केवल यही मिल रहे हैं, ये तो नया वाला माल आया है, ये तो भैया इतने का है ये, मतलब यू गेट द आइडिया। तो गाइज आई होप ये कुछ पसंद आया होगा एंड आई रियली होप यार कि कंपनीज इस ट्रेंड से बाहर निकलें, बिकॉज इट्स नॉट सो गुड एंड आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस। आप बताओ बाकी आप क्या कह रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।